और चलिए अब रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों। प्रदेश में 2422 करोड़ की लागत से सड़क तंत्र मजबूत होगा। 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास कर समारोह को भी संबोधित कर दिया। कहा कि सरकार चाहती है प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे, आने वाले समय में 100 की आबादी वाले गांव को भी सड़क से जोड़ने का प्रयास होगा। 5 साल में जितने काम किए हैं उतने कभी नहीं हुए। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की भी शुरुआत हो जाएगी। 5 अगस्त से शहरी व ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे। सड़कों के मामले में हमने काफी सुधार किया। सड़कों के विकास के मामले में हम सबसे आगे हैं। आज हम गुजरात से आगे नहीं हैं तो पीछे भी नहीं हैं। गांव और शहरों में सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्वालिटी के मामले में विभाग अच्छा कार्य कर रहा है। सड़कों से विकास का बड़ा संबंध होता है। सड़क बनने के साथ ही क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एक्सीडेंटल सड़कें नहीं होनी चाहिए। अधिकांश जगह सड़कों की क्वालिटी अच्छी है, कुछ जगह शिकायत आ सकती है। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों पर गहलोत सरकार सख्त। जोधपुर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पकड़ा है फर्जी अभ्यर्थी। पुलिस ने बाड़मेर के सेकेंड ग्रेड टीचर रामचंद्र को मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद शिक्षक रामचंद्र को निलंबित भी कर दिया था। अब निलंबन के बाद शासन सचिव ने सेवा बर्खास्तगी के भी निर्देश दे दिए। शिक्षा विभाग ने शिक्षक रामचंद्र को टर्मिनेट करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। मणिपुर हिंसा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने दिया 24 घंटे का समय। महिला भद्रता और हिंसा प्रकरण पर दिया गया है 24 घंटे का समय। केंद्र और राज्य को देनी होगी 24 घंटे से भी कम समय में विस्तृत रिपोर्ट। हिंसा, महिला उत्पीड़न सहित अन्य मामलों को लेकर दर्ज शिकायतों पर रिपोर्ट देनी। महिला अधिकारियों के नेतृत्व में स्वतंत्र कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाओं के संबंध में सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया। अधिवक्ता बांसुरी स्वराज द्वारा रखे गए थे अन्य राज्यों के भी मामले, लेकिन मणिपुर हिंसा पर कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। जयपुर दिल्ली NH 8 को लेकर राहत भरी खबर आई। 161 किलोमीटर लंबे 2 पैकेज पर कल से कार्य शुरू हो जाएगा। गुड़गांव कोटपुतली जयपुर सेक्शन में किलोमीटर 107 प्लस 100 से 188 तक 6 लेन सुदृढ़ीकरण होगा। इस सेक्शन में 402.48 करोड़ रुपए भी खर्च होने वाले। गुड़गांव कोटपुतली जयपुर सेक्शन में किलोमीटर 188 से 268 तक 6 लेन सुदृढ़ीकरण होगा। इस सेक्शन में 404 करोड़ से ज्यादा रुपए भी खर्च होंगे। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कल से दोनों पैकेज पर अपना कार्य शुरू कर दे। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरीश कुमार इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग कर। और प्रदेश के मरीजों के लिए दिक्कतों भरी खबर। सरकारी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीचर्स का कल सामूहिक कार्य बहिष्कार। 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़े मेडिकल टीचर्स का ऐलान भी आ गया। कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 1 अगस्त को कार्य बहिष्कार का ऐलान। मेडिकल टीचर्स की राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज के पृथक कैडर के गठन। 2014 से 2018 के बीच DACP प्रमोशन के प्रभावी दिनांक से दे भुगतान। इसके अलावा एकेडमिक अलाउंस में रिवीजन, हाई रिस्क अलाउंस और मासिक टेलीफोन राशि। साथ ही DGME और निदेशक के पद पर वरिष्ठ चिकित्सक शिक्षक को लगाने की मांग। सीनियर प्रोफेसर के पास हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पद पर 1 और प्रमोट। परामर्श शुल्क को DA से अटैच करना। सालाना 10% की बढ़ोतरी करना। NMC निरीक्षण के लिए तबादले बंद किए जाने समेत 10 सूत्री मांग है जिनको लेकर के कल आंदोलन की राह पर दिखाई दी। और राइट टू हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर। RTH लागू करने से पहले सेवारत चिकित्सकों ने सुझाव दिए। RTH नियम व उप नियमों के लिए गठित समिति के समक्ष सुझाव रख दिए। अरिस्दा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने सुझाव को लेकर जानकारी दी। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में राज्य सरकार से बीमा कवर उन्हें मिले।
सेवाओं को देखते हुए सेवारत चिकित्सकों को इंसेंटिव का भी प्रावधान किया जाए। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रशिक्षित पर्याप्त मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंडक्शन कोर्स को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वृहद रूप से अमल में लाया जाए। आरटीएच की शिकायतों के निस्तारण के लिए कमेटी भी गठित कर दी। प्राधिकरण में प्रतिनिधियों की भी मांग की गई। और अब हर माह के बिजली उपभोग पर लगेगा फ्यूल सरचार्ज। आरईआरसी की मंजूरी के बाद बिजली कंपनियों की कवायद। 52 पैसे प्रति यूनिट प्रोविजनल फ्यूल सरचार्ज वसूली का भेजा प्रस्ताव। वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए फ्यूल सरचार्ज प्रस्ताव भेजा गया। वहां से मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं के बिलों में ये सरचार्ज जुड़ जाएगा। दरअसल अभी हर तिमाही के आधार पर निकाला जाता है फ्यूल सरचार्ज, लेकिन फिर उसी तिमाही के हिसाब से पुराने माह के उपभोग पर वसूली होती है और इस गणना में उपभोक्ताओं के लिए कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल भी होता है। ऐसे में बिजली कंपनियों ने आरईआरसी से किया था हर माह वसूली का आग्रह। हालांकि 200 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता कृषक से मुक्त रहे। और कौन होगा हरियाणा का अगला डीजी? अभी 1988 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल है हरियाणा के डीजीपी। अग्रवाल का कार्यकाल पूरा होने की तारीख भी अब नजदीक आ रही है और ऐसे में अब तेज हो गई है अटकल। 15 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल। कुछ प्रतिष्ठित सूत्रों की बात माने तो आरसी मिश्रा हो सकते हैं हरियाणा के नए डीजी। हालांकि मोहम्मद अकील और शत्रुजीत कपूर का नाम भी रेस में चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कपूर को इस पद के लिए सबसे प्रमुख पसंद मानता है खट्टर प्रशासन और वरिष्ठता योग्यता अनुभव के आधार पर यूपीएससी जल्द सरकार को भेज सकता है अपना पैनल। हिंदुस्तान टाइम्स में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख G20 के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा मौसम परिवर्तन का मुद्दा। समुद्र तटों पर भूमि कटाव और जल प्रबंधन इस समय बड़े मुद्दे और ऐसे में भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। G20 देशों में रहती है विश्व की 2/3 जनसंख्या और इन देशों में कुल 85% GDP, विश्व का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 45% समुद्र तट और 21% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से मौसम परिवर्तन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के पास श्रम और रोजगार मंत्रालय का भी प्रभार है। कंप्यूटर इंजीनियर बना स्कूटर वाला श्रवण कुमार। मैसूर के डी कृष्ण कुमार अपनी मां को 25 साल पुराने स्कूटर पर करा रहे हैं तीर्थया। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं डी कृष्ण कुमार। 73 वर्षीय मां के साथ कर चुके हैं 73,000 किलोमीटर की यात्रा। अपने पिता के खरीदे 25 साल पुराने स्कूटर पर मां को करा चुके हैं 4 धाम की यात्रा। नेपाल, भूटान और म्यांमार की यात्रा भी कर चुके हैं दोनों ही मां बेटे। आज स्कूटर पर सवार होकर हवा महल देखने पहुंचे थे कृष्ण कुमार और उनकी मां। मां को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर भ्रमण कराने का श्रवण कुमार का लक्ष्य। मां के लिए ये सपना उन्होंने संजोया था और पूरा कर लिया।